नमस्कार दोस्तों, ब्राह्मणों ने सबसे बड़ा धोखा जो लोगों के साथ किया है वह यह है कि उन्होंने पूरे भारतीय समाज को जातियों उपजातियों में बांट दिया है। इसमें सबसे घातक बात यह है कि हर भारतीय अपने आप को एक जाति विशेष से संबंधित ही मानता है। कोई भी जातिवादी भारतीय अपने आप को सबसे पहले अपनी जाति का मानता है, फिर अपने आप को आदमी मानता है। हर कोई इसी काम में लगा हुआ है कि उसकी जाति सामने वाले की जाति से ऊंची है, ना केवल सामने वाले से बल्कि अपने ही लोगों में भी उसकी जाति कुल गोत्र दूसरों से ऊंचा है। हम जब अपने बच्चों की शादी करते हैं तो मात्र यही देखते हैं कि हमारी जाति में कौन लड़का लड़की योग्य है। राष्ट्रीय मुद्दों पर भी हम जाति के आधार पर विरोध या समर्थन करते हैं। वोट देते वक्त भी हम अपने ही आदमी को वोट देते हैं। हम कभी सोचते ही नहीं कि हमारे दिमाग की पंगु हालत किसने की है। हम बजाय दोषी को पकड़ने के इसी बात में लगे हुए हैं कि हमारी जाति दूसरों से ऊंची है। सबसे बड़े दुख की बात तो यह है कि जिनकी जाति नीची बताई गई है वह भी अपने आप को दूसरी जाति वालों से नीचा और हे मानने लगे हैं। कितने शर्म की बात है कि आज तक एक भी संत ब्राह्मणों में पैदा नहीं हुआ, लेकिन समस्त मंदिरों पर उनका कब्जा है। सभी संत दलित या वैश्य समाज से हैं, लेकिन इन जातियों में से एक भी आदमी किसी मंदिर का पुजारी बनने का अधिकारी नहीं है। पुजारी होना या बनना तो बहुत दूर की बात है। जातिवाद ने उनके दिमाग को इस कदर पंगु कर दिया है कि यह बात उनके दिमाग में आते ही नहीं कि वे भी किसी मंदिर के पुजारी बनने के अधिकारी हैं। हम सभी जानते हैं कि कृष्ण यादव था, लेकिन कोई यादव यह सोचता भी नहीं कि कृष्ण के मंदिरों में कृष्ण के यादव कुल वाले ही पुजारी क्यों नहीं हैं। जातिवाद का लाभ केवल और केवल ब्राह्मण वर्ग ही क्यों उठा रहा है, यह बात कोई भी गैर ब्राह्मण सोच ही नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि सदियों से जातिवाद का जहर पीकर हम लोग अपने आप को अपनी जाति सामाजिक पोजीशन के समान ही समझने लग गए हैं। अर्थात दलित राष्ट्रपति बनकर भी दलित ही रहता है। दलित राष्ट्रपति को कभी वह सम्मान नहीं दिया जाता जिसका वह अधिकारी होता है, अथवा जो एक ब्राह्मण राष्ट्रपति को दिया जाता है। उदाहरण के लिए समझिए, भारत में दो बहुत पढ़े लिखे राष्ट्रपति हुए, एक माननीय के आर नारायणन और दूसरे राधा कृष्णन। राधा कृष्णन के नाम पर हर साल 5 सितंबर को अध्यापक दिवस मनाया जाता है, क्योंकि वह एक ब्राह्मण थे। माननीय नारायणन अपने विश्वविद्यालय में प्रथम रहे। भारत के सबसे महान यूनिवर्सिटी JNU के वाइस चांसलर भी रहे, लेकिन उनका नाम कहीं भी नहीं लिया जाता। राधा कृष्णन ने जितनी भी पुस्तकें लिखीं सभी में पक्षपात की बू आती है। हर पुस्तक ब्राह्मणवाद के झूठ को सत्य साबित करने के उद्देश्य से लिखी गई है। भगवान बुद्ध ने ब्राह्मणवाद की धज्जियां उड़ा दी। जिस समय भगवान बुद्ध ने मानवता का संदेश दिया, हिंदू शब्द कोई जानता भी नहीं था। लेकिन ब्राह्मण राधा कृष्णन की दुष्टता तो देखो, वह उन्हें हिंदू बताता है, फिर भी ऐसे आदमी के नाम पर अध्यापक दिवस घोषित किया जाता है। कारण एक ही है, जातिवाद का जहर। भारत में पहला बालिका स्कूल माननीय सावित्री बाई फूले ने शुरू किया। पूजनीय ज्योतिबा ने भारत में पहला स्कूल खोला। उनके नाम पर कोई अवार्ड नहीं है, लेकिन महानीच द्रोण जो ब्राह्मण है, जिसने वीर एकलव्य का अंगूठा काटा, उसके नाम पर सर्वोच्च अध्यापक का इनाम दिया जाता है। सदा अंग्रेजों के तलवे चाटने वाला मंगल पांडे आज हर पाठ्य पुस्तक का हिस्सा है, लेकिन देश पर जान लुटाने वाला मदन लाल ढेंगरा, उधम सिंह, कामो विजय से वीरों का नाम किसी सरकारी स्कूल के पुस्तक में नहीं है, क्योंकि ये लोग पांडे की तरह ब्राह्मण नहीं हैं। आम आदमी ही नहीं, गैर दलित धार्मिक गुरु भी इस जहर से बच नहीं पाए। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ स्थापित किया। इस पंथ में अधिकतर दलित गुरु के प्यारे बने, इसलिए
उन्होंने कहा, रंगरेटे गुरु के बेटे अर्थात चमड़ा रंगने वाले गुरु के बेटे हैं। निश्चित रूप में सदियों से कुचले जा रहे लोगों के लिए यह एक महान सम्मान था, लेकिन विडंबना देखो, उनकी खालसा फौज उन ब्राह्मणों को बचाने में लगी रही जो सदियों से इन गुरुओं के बेटे का शोषण ही करते आ रहे थे। आज की जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही महत्वपूर्ण तर्कपूर्ण तथ्यों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पाखंडियों से बचते रहिए। जय भीम, नमो बुद्धाय।